क्वेश्चन है ईपीएफओ का यूपीएससी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिमाइंडर व्हेन 74 टू द 100 इज डिवाइडेड बाय 9। देखो 74 टू द 100 है, 74 टू द 100 कह रहा है, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन से पार्ट इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नॉर्मली आप कैलकुलेटर में भी चाहोगे तो बड़ी बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा, 74 टू द 100 इनफाइनाइट दिखा देगा। तो इसको लिख देंगे 74 को 72 प्लस 2 टू द 100 डिवाइडेड बाय 9। देखो हम 72 प्लस 2 क्यों लिखे, क्योंकि 9 से 72 डिवाइड हो जाता है इसलिए हमने लिखा। अब ये 72 डिवाइड हो जाएगा तो फाइनली क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 100 वाले में अब चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप कर लो 2 × 2 रेज़ टू द पावर 99, ठीक। इसको कर लो 2 × 8 × 33, ठीक है, क्योंकि 2³³ करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और 8 को क्या लिख सकते हो, 9 − 1³। अब देखो 9 तो 9 से डिवाइड होता है, माइनस 1 नहीं होता है, तो यहां से क्या आएगा, 2 × −1³। अब देखो इवन ऑड पावर है, यहां पे इवन रहता तो ये निगेटिव प्लस हो जाता, लेकिन ये जब ऑड पावर है तो ये माइनस 1 ही आ जाएगा। तो फाइनली रिमाइंडर -2, और 9 में से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आया, 7। तो करेक्ट ऑप्शन कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, तुरंत हमने इसको सॉल्व कर लिया, बहुत आसान मेथड था, ठीक है।